गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने कौन से ऑर्गन हैं जो हेल्पफुल होते हैं, कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जिनसे क्या है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से पहले अपन ने डिस्कस किया था कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन है जिससे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो एक बार अपन प्रीवियस लेक्चर पर अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन से ऑर्गन से मिलके बनता है। सबसे पहले क्या है अपना, दो टाइप से क्या है अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने दो टाइप से उसको क्या है डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक है, और देन आफ्टर सेकंड क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है। यानी कि एक तो क्या है अपना एलिमेंट्री ट्रैक है और दूसरा क्या है एसेसरी ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री ट्रैक है उसके अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं, और जो अपना जो दूसरा क्या है असेसरी ऑर्गन है उनके अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहले क्या अपना है माउथ, देन आफ्टर अपना क्या आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है अपनी रेक्टम एंड एनल कैनाल। यानी कि जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कौन से ऑर्गन है, माउथ हो गया, ठीक है, माउथ के बाद क्या है अपना फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद क्या आता है इसोफेगस आता है, इसोफेगस के बाद क्या आता है स्मॉल अपना स्टमक आता है, और स्टमक के बाद क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपनी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, देन आफ्टर अपना क्या आता है रेक्टम एंड एनल कैनाल आता है। तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लो कि अपने कौन से ऑर्गन हैं। इसके बाद अपने आते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन जो है उनके अंदर कौन से ऑर्गन है, थ्री पेयर क्या होते हैं इसके अंदर, सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, पैनक्रियास प्रेजेंट रहती है, लीवर एंड बाइलरी ट्रैक प्रेजेंट रहती है। तो यानी कि जो अपने एसेसरी ऑर्गन है वो कौन से होते हैं, तीन तो अपनी कौन सी होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड होती हैं, पैनक्रियाज होती हैं, लीवर होती है, और अपनी बाइलरी ट्रैक होती है। ये क्या होते हैं अपने एसेसरी ऑर्गन होते हैं। देन आफ्टर अपना आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीजें आती हैं, इंट्रोडक्शन में अपना ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन किस लिए यूज में लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन यूज में लेते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो अपन ने फूड को जो इनटेक किया है उसको क्या करना है अपने को ब्रेकडाउन करना है, किस में, न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, वो अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या है सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेट होने के बाद क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर जहां पे जिस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वहां पे
पहुंच जाएगा किसके थ्रू, जो अपना ब्लड जो है, ब्लड जब ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड किन किन चीजों के लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और अपनी जो गैस और अपने जो है न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स अपने को कहाँ से मिलेंगे, जो भी अपन ने फूड को इनटेक किया है डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, डाइजेशन के दौरान क्या है वो जो फूड है वो क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो कन्वर्ट होने के बाद क्या है, वो अपने जो ब्लड है उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप होने के बाद क्या होगा, अपनी जो बॉडी है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पे वो चीज़ पहुँच जाती है। सेकेंड डेफिनेशन में क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कलेक्टिव नेम यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल, सम एसेसरी ऑर्गन एंड वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस ए डिफरेंट लेवल इन द कैनाल टू प्रिपेयर फूड इट इन द डाइट फॉर अब्जॉर्प्शन। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने क्या है, एक कलेक्टिव नेम दिया है, ठीक है। किस चीज के लिए, इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, अपनी एलिमेंट्री कैनाल आती है, अपने जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो आते हैं, और जो अपने डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी क्या है, इसके अंदर अपनी आ जाती है। नेक्स्ट है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एट द माउथ, पासेस थ्रू द थोरेक्स, एब्डोमिन एंड पेल्विस एंड एट द एनस। यानी अपनी स्टार्ट कहां से होती है, एलिमेंट्री कैनाल से अपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है माउथ है, माउथ से कहां पे जाते हैं, थोरेक्स में चला जाता है, एब्डोमिनल पार्ट में चला जाता है, पेल्विस पार्ट में चला गया, और अपना जो एनल कैनाल है एनएस है वहां पे आके क्या है अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन में है, इट हैज ए जनरल स्ट्रक्चर विच इज मॉडिफाइड एट डिफरेंट लेवल टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेस अकरिंग एट ईच लेवल। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जहां जहां पे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे क्या है वो मॉडिफाइड होती जाती है। इट देयरफॉर गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेस विच रिलीज इट कॉन्स्टिट्यूट न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, मिनरल, साल्ट, फैट एंड विटामिन। यहाँ पे क्या है, सीरीज होती है, कैसे चेंजेस कैसे होते हैं, जो भी अपन फूड इंटेक, जो फूड है उसको अपन ने इंटेक किया, ठीक है, वो क्या है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड हो गए, उसके अंदर मिनरल साल्ट हो गए, फैट है, विटामिन है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। आफ्टर अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज बॉडी, दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू सेल्स। यानी कि जो अपन ने इनटेक किया है, जो न्यूट्रिएंट्स अपन ने इनटेक किए हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी है उसके अंदर जो न्यू सेल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हैं। हॉर्मोन एंड एंजाइम एंड दे एंड द एनर्जी नीडेड फॉर द अदर प्रोसेस एंड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी कि जो चीजें काम में आने वाली हैं उनको तो क्या है अपन न्यू सेल मैन्युफैक्चरिंग में काम में ले लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको क्या है अपन वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद है, एक्टिविटीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप अंडर फाइव मेन हेडिंग। यानी कि जो अपने जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, पांच भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या है, सबसे पहली जो फर्स्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो भी अपन फूड है उसको क्या करेंगे एलिमेंट्री ट्रैक के थ्रू अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर क्या है वो फूड अपना आ जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या है, वो अपने जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है एलिमेंट्री ट्रैक जो उसके अंदर क्या है वो मूव करेगा। थर्ड क्या है, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, जो अपना जो अपन ने फूड जो लिया ठीक है वो क्या करेगा ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन कितने टाइप से होगा, फर्स्ट होगा आपका मैकेनिकल, सेकेंड आपका होगा केमिकल। मैकेनिकल के अंदर क्या है, जो आपके जो टीथ हैं वो क्या करते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है ब्रेक डाउन कर देते हैं। केमिकल के अंदर क्या होता है, वहां पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कौन सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस बाय ग्लैंड एंड एसेसरी ऑर्गन। यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं और अपने जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं ठीक है वो क्या करते हैं एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं उसका केमिकल डाइजेशन करते हैं। देन आफ्टर अपना आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्ट फूड सबस्टांस पास थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
यानी कि जो अपन ने फूड लिया वो क्या हो गया, डाइजेस्ट वहां पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, उसका मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, केमिकल डाइजेशन हो गया। मैकेनिकल में क्या हुआ, जो अपना टीथ जो है वो क्या करेंगे, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। देन आफ्टर क्या होगा, जो अपना केमिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो अपने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, ठीक है, एंजाइम कौन सी क्रिएट करता है, जो अपनी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और जो अपने एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, जो अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन के अंदर क्या है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, मिक्सअप हो जाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप होने के बाद क्या होंगे, जो अपनी ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर क्या है, वो सर्कुलेट होंगे। और सर्कुलेट होने के बाद क्या, अपनी जो होल बॉडी है उसके अंदर क्या है, वो जहां पे जिस चीज की नीड है वहां पे वो चीज पहुंच जाएगी। लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हुए और अब्जॉर्ब नहीं हुए, ठीक है, जो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, अब्जॉर्ब नहीं होगी, वो क्या होगी, फीकल मटेरियल के रूप में क्या है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। देन आफ्टर अपने जो नेक्स्ट है वो क्या है, ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक बार इस डायग्राम के अंदर क्या है, अपनी सारी चीजें दिखाई हुई है, माउथ हो गया अपना, फेरिंग्स में दिखाया गया है, ठीक है, सेलावरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट दिखाई गई है आपको, स्टोमक दिखाया गया है, इसोफेगस दिखाया गया है, रेक्टम दिखाया गया है, एनल कैनाल दिखाया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, ये सारे के सारे ऑर्गन क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये आप सभी डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक क्या है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, अपनी जो बॉडी से फ्लू जो फूड है वो क्या होता है, पास होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और अपनी कहाँ तक जाती है, एनस तक ये जाती है। इसके वेरियस क्या है, पार्ट हैं जिनको सेपरेट सेपरेट क्या है नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उनके सबके क्या है, स्ट्रक्चर भी अलग है और उनके सबके फंक्शन भी अलग हैं। फर्स्ट क्या है, माउथ हो गया अपना, फेरिंग्स हो गया अपना, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। एसेसरी ऑर्गन कौन से हो गए अपने, एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस जैसे कि वेरियस सीक्रेशन आर पावर्ड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, सम बाय ग्लैंड्स एंड सम बाय ऑर्गन। यानी कि कुछ तो क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वहाँ पे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है, किसके द्वारा होता है, द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं, थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, पैनक्रियाज होगी, लीवर हो गया और बाइलरी ट्रैक हो गई, ये क्या है अपने एसेसरी ऑर्गन हैं।
देन आफ्टर अपना कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो स्ट्रक्चर कैसी है। तो एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो उसके अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है, अपने जो लेयर प्रेजेंट होती हैं वो इस डायग्राम के अंदर क्या है, अपने लेयर दिखाई गई है, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, मसल्स लेयर हैं, पेरिटोनियम है, ये सारी की सारी क्या है इसके अंदर लेयर आपको दिखाई गई है। जो अपनी एलिमेंट्री जो कैनाल है वो कितने टाइप की लेयर से मिलकर बनी है, चार टाइप की क्या है उसके अंदर लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या है आपकी आउटर कवरिंग होती है, जो कौन सी होती है, एडवेंटिटा है, यानी कि जो आपकी आउटर कवरिंग है वो कौन सी है, एडवेंटिटा होती है। देन आफ्टर कौन सी होती है आपकी, मसल्स लेयर, उसके बाद कौन सी लेयर है आपकी, मसल्स लेयर है, उसके बाद क्या है, सब म्यूकोसल लेयर है, उसके बाद कौन सी आपकी, सब म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट है। देन आफ्टर क्या है आपकी, म्यूकोसा लाइनिंग है, उसके बाद कौन सी मिलेगी आपको, म्यूकोसा लाइनिंग है। तो ये क्या है आपकी चार लेयर हैं। सबसे पहले क्या है, एडेंटिटा है जो क्या है आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये क्या है मसल्स लेयर हो गई, सब म्यूकोसल लेयर हो गई, और ये म्यूकोसा है जिसकी क्या है लाइनिंग प्रेजेंट होती है। सबसे फर्स्ट अपनी कौन सी है, एडवेंटिटा, यानी कि जो अपनी आउटर कवरिंग है वो कौन सी लेयर होती है, एडवेंटिटा। इन द थोरेक्स दिस इज कंसिस्ट ऑफ लूज फाइबर टिश्यू, यानी कि ये किससे मिलके बनी होती है, लूज फाइबर टिश्यू है उनसे क्या है मिलके बनी होती है। एंड इन द अबडोमन द ऑर्गन आर कवर्ड बाई ए सीरस मेम्ब्रेन, जो ऑर्गन जो अबडोमन के अंदर क्या है, जो ऑर्गन है वो क्या है कवर्ड रहते हैं, किससे, अपनी सीरस मेम्ब्रेन से क्या है कवर्ड रहते हैं। जो सीरस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। जो एडवेंटिटा है वो क्या होती है, अपनी आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो किससे मिलके बनी होती है, लूज फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। कवरिंग किसकी, किससे कवर्ड होती है, सीरस मेम्ब्रेन से कवर होती है, और जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। फिर इसके बाद अपना आता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है वो क्या है, पेरिटोनियम होती है। इट प्रोवाइड ए फिजिकल बैरियर टू लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इट आइसोलेट एन इन्वेक्टिव फोकस सच एज अपेंडिसाइटिस प्रिवेंटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, अपने को जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या है प्रिवेंट करती है। जो अपनी पेरिटोनियम होती है इसकी क्या है, कितनी लेयर होती है, पेरिटोनियम की दो लेयर होती है, ठीक है, पेरिटोनियम है वो कितनी लेयर में होती है, दो लेयर में होती है। सबसे पहले क्या होती है, पेराइटल लेयर होती है, और सेकंड कौन सी होती है, अपनी विसरल लेयर होती है। तो पेरिटोनियम होती क्या है, जो सीरस मेम्ब्रेन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। एडवेंटिटा किससे मिलकर बना होता है, लूज कनेक्ट लूज फाइब्रस टिश्यू से क्या है अपना एडवेंटिटा बना होता है, ठीक है। और ये जो कवर करता है किससे कवर होता है, सीरस मेम्ब्रेन से कवर होता है, सीरस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम कितने टाइप की होती है, पेरिटोनियम अपनी दो टाइप की होती है, फर्स्ट अपनी कौन सी होती है, पेराइटल लेयर होती है, सेकंड क्या होती है, अपनी विसरल लेयर होती है। जो पेरिटोनियम है वो क्या होती है, अपनी लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, कहां की, बॉडी की लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी होती है, पेरिटोनियम होती है।
ये क्या करती है, पेरिटोनियम जो की जो लेयर होती है वो अपने को क्या हेल्प प्रोवाइड कराती है, जो अपनी बॉडी के अंदर लोकल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उससे अपने को प्रिवेंट करती है। ये है इसकी दो लेयर, फर्स्ट आपकी पेराइटल लेयर है, ठीक है, विच लाइन द एब्डोमिनल वॉल, सेकेंड आपकी क्या है, विसरल लेयर है, विच कवर द ऑर्गन विद द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। जो विसरल लेयर है वो क्या करती है, आपको जो पेराइटल है उसके क्या है, आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है उस पर क्या उसकी लाइनिंग होती है, ठीक है, और विसरल लेयर है वो क्या करती है, आपके जो ऑर्गन्स है एब्डोमिनल और जो पेल्विक कैविटी की जो ऑर्गन्स है उनको क्या करती है, कवर करके रखती है। सेकेंड अपनी क्या आती है, मसल्स लेयर। जो अपनी मसल्स लेयर है वो किससे मिलके बनती है, स्मूथ मसल्स से मिलके क्या है बनती है, जिसपे क्या है इन्वॉल्वेंट्री कंट्रोल रहता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द मसल्स फाइबर ऑफ द आउटर लेयर आर अरेंज इन बिटवीन दीज टू मसल्स लेयर आर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड फ्लेक्सिस, नेटवर्क ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व कॉल्ड द मेसेंटरिक फ्लेक्सिस। इनका क्या होता है, ये जो अपनी जो मांसपेशियां हैं इन दोनों की परत के बीच में क्या है, जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हैं, वो क्या करती हैं, यहां पे जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी होगी आपकी, पैरासिंपेथेटिक टाइप की हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेसेंट्रिक फ्लेक्सिस बोलते हैं। लास्ट अपना क्या है, दीज नर्व सप्लाई द एजेंट स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। इसका मींस क्या है, ये जो अपना नर्व सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, जो अपनी मसल्स जो हैं उनको क्या है स्मूथली क्या है वहां पे अपनी जो है ब्लड की आपूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी क्या है, सबम्यूकोसल लेयर। सबम्यूकोसल लेयर कौन सी होती है, कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद सम इलास्टिक फाइबर। किससे मिलके बनती है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद सम इलास्टिक फाइबर, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से और जो सम इलास्टिक फाइबर है उनसे क्या है अपनी ये मिलके बनती है। विद इन दिस लेयर आर फ्लेक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व लिम्फ वेसल्स एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। क्या होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिस क्या है, आपके लेयर के फ्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती है और आपके जो लिम्फोइड टिश्यू हैं वो क्या है यहाँ पे रहते हैं। द ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ ऑरोफैक्टर्स वेसल्स एंड कैपिलरीज, द नर्व फ्लेक्सिस इज सब म्यूकोसल और मेजेंडर फ्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व विच सप्लाई द म्यूकोसल लाइनिंग। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, इसको अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी अपन इसको बोलते हैं, यानी कि जैसे जिसकी नीड होती है वैसी क्या है यहाँ पे आपूर्ति हो जाती है, यानी कि तुरंत डिसीजन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अपने क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा है वो किससे मिलके बनती है, कंसिस्ट ऑफ ए थ्री लेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि तीन टाइप के जो टिश्यू की लेयर है उनसे क्या है बनती है। फर्स्ट कौन सी है आपकी, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो एपिथीलियम से बनती है,
लाइमा परफॉर्मा जो है वो किससे बनती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और म्यूकोसल म्यूकोसा जो है वो किससे बनती है, थिन आउटर लेयर है किसकी, स्मूथ मसल्स की। जो म्यूकोसा है वो कितनी लेयर से मिलके बनती है, तीन लेयर से मिलके बनती है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है। लामिया प्रपोरा किससे बनती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और जो लास्ट आपकी जो आउटर लेयर है वो किससे बनती है, स्मूथ मसल से। देन आफ्टर क्या आती है आपकी, म्यूकोसल मेम्ब्रेन। इन पार्ट ऑफ ट्रैक विच आर सब्जेक्ट टू ग्रेट वेयर एंड टीयर ऑफ मैकेनिकल इंजरी, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सर्टिफाइड एपिथिलियम विद म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जस्ट बिलो द सरफेस। ये क्या है आपकी, ग्रेट वियर एंड टियर मैकेनिकल इंजरी से क्या है आपको प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। एपिथिलियम और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है वो क्या है, जस्ट बिलो द सरफेस, यानी कि सरफेस के जस्ट नीचे होती है। इन एरिया वेयर द फूड इज ऑलरेडी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड वेयर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड अब्जॉर्प्शन अकर। यहाँ पे क्या है आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एपिथिलियम सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबिटियर सेल, यानी कि जो ग्लोबिल सेल होती हैं उससे और अपनी जो एपिथिलियम सेल है उनसे क्या है बनती है। म्यूकस लुब्रिकेट्स द वॉल ऑफ द ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम। लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे जो, एंड बिलो द सरफेस इन द रीजन लाइन विद द ग्लोमेरुलर एपिथिलियम आर कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज सेल और ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रेशन इन टू द ल्यूमन ऑफ द ट्रैक। इसके बाद अपने आते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन कौन से अपने, सेलाइवा कहां से सिक्रेट होता है, सेलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस कहां से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से होता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से होता है अपना, पैनक्रियास से होता है। बाइल कहाँ से होता है, लिवर से होता है। ये सारे के सारे जो क्या है सिक्रेशन है वो क्या करते हैं, दीज आर डाइजेस्टिव जूस एंड दे कंटेंट द एंजाइम विच केमिकली ब्रेक डाउन फूड। यानी कि जो अपनी मैकेनिकल प्रोसेस के बाद जो केमिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या है, ये जो सारे के सारे जो सिक्रेशन है एंजाइम्स है ये क्या है, हेल्पफुल होते हैं। तो इनमें सबसे पहला क्या है आपका सेलाइवा, वो कहाँ से आया, सेलाइवरी ग्लैंड से आ गया। देन आफ्टर आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से आ गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ गया। देन आफ्टर क्या आपका इंटेस्टाइनल जूस है वो कहाँ से आ गया, इंटेस्टाइन से आ गया। देन आफ्टर आपका पैनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ से आ गया, पैनक्रियास से आ गया। देन आफ्टर आपका जो बाइल है वो कहाँ से आ गया, लिवर से आ गया। इसके बाद जो आपका डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ से आ गया, आप जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं, सभी के सभी आपके जो केमिकल ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ही सारे के सारे डाइजेस्टिव जूस हैं वो क्या है, हेल्पफुल होते हैं। देन आफ्टर क्या आएगा, नैरो सप्लाई। नैरो सप्लाई की अपन ने बात की, तो नैरो सप्लाई कैसी होती है, ऑटोनॉमिक टाइप की नैरो सप्लाई होती है। तो जो अपना नेक्स्ट कल का जो लेक्चर रहेगा वो किस पे रहेगा, नैरो सप्लाई पे।